प्रशासक समिति के यूट्यूब में एक बार पुनः आपका स्वागत है। राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा विषय है दतून के ऊपर है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अपने दांत को कैसे स्वस्थ और आकर्षक बना सकते हैं। राजीव दीक्षित जी अमर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दांत कैसे साफ करें? दातुन से। दातुन है ना, पिपरिया में तो बहुत है। मैं अभी रास्ते में आया, इतने नीम के पेड़ हैं कि दातुन ही दातुन है यहाँ, तो आपको तो कोई कमी नहीं। तो दातुन करो। दातुन ना मिले तो दंत मंजन करो। दंत मंजन भी फोकट वाला करो, खर्चा नहीं करना। फोकट वाला दंत मंजन, घर में रसोई है वहाँ पे हल्दी है, ले लो थोड़ी सी हल्दी, और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें, और थोड़ा सा नमक, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिसो, सबसे अच्छा दंत मंजन। और एक दूसरा बताता हूँ, गाय है, गाय उसका गोबर है, गोबर को जला दो। कैसे जलेगा? पहले सुखाओ उसको, छोटे कंडे बनाओ, फिर जला दो, तो राख निकलेगी, उस राख में थोड़ा नमक मिलाओ, थोड़ी फिटकरी मिलाओ, और उसको दांत पर घिसो, उससे अच्छा दंत मंजन दुनिया में नहीं। और एक तरीका बताता हूँ, नींबू है ना, नींबू हम सब्जी में निचोड़ते हैं, अब छिलका बच गया, इसको फेंकना नहीं, छिलके को उलट दो, अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो, उस पर नमक रिगड़ के ऐसे ऐसे दांतों पे घिसो, दांत एकदम साफ। और एक दो बात बताता हूँ, जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज है कि नहीं? अब एक जानकारी और देता हूं आपको, ये जो टूथपेस्ट होते हैं ना, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिवाका, ये ज्यादातर टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। हमारे देश में हजारों कत्लखाने चलते हैं, वहां गाय बैल भैंस को काटते हैं, उनका मांस बाजार में बिकता है, उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं, हड्डियों को धूप में सुखाते हैं, बोन क्रशर में डालकर पाउडर बनाते हैं, फिर उसी से पेस्ट बनता है, फिर उसी को हम मुंह में लगाते हैं रोज सवेरे ही सवेरे। और जिस दिन उपवास होता है तो जरूर भगवान की पूजा करते हैं, सवेरे सवेरे हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं, अभी कैसे प्रसन्न होंगे भगवान, बताओ। बंद कर दो ये सब, अच्छा नहीं, ठीक है, तो बहुत पैसा देश का बचेगा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें, ब्रश बंद कर दें, जो पैसे बचेंगे अगर उतने से ही दातुन खरीदने लगे, 50 पैसे की एक दातुन, तो 30 लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल जाएगा इस देश में। आप कभी बंबई जाना, बंबई, बंबई के सब रेलवे स्टेशन में दातुन बिकता है, 1 रुपए का 2, 2 रुपए का 3, ये बंबई में हो सकता है तो पिपरिया में भी हो सकता है। अब बस करना ये पड़ेगा कि दातुन करनी है तो नीम का पेड़ लगाओ, बबूल का पेड़ लगाओ, दातुन तभी मिलेगी ना, तो पेड़ भी लगाओ हर साल कम से कम एक। हैं, आपका जन्मदिन आता है ना, उस दिन एक पेड़ लगाओ। हम जन्मदिन मनाते हैं आजकल कैसे, केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती लाते हैं, फिर केक के चारों तरफ लगाते हैं, फिर दिया सलाई से जलाते हैं, फिर उसी को फूंक मार मार के बुझाते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं, उसको बुझाना था तो जलाया क्यों? हमारे घर में जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है, तो जन्मदिन हुआ कि मरण दिन, तो मत मनाओ। तो कैसे मनाएं जन्मदिन? एक पेड़ लगाओ उस दिन। और मैं तो ये कहूंगा जितने जन्मदिन हो गए ना उतने पेड़ लगाओ। मान लीजिए 14 साल पूरे हो गए तो 14 पेड़ लगा दो। कहां लगाएंगे? घर के सामने लगा दो, घर में जगह नहीं तो पड़ोसी के घर में लगा दो, दोस्ती हो जाएगी। और पेड़ तो रहेगा जिंदगी भर, आप तो चले जाओगे। नीम का पेड़ अगर लगाया तो 500 साल जिंदा रहता है, आप तो 100 साल में ही मर जाओगे, वो पेड़ तो 500 साल रहेगा। और एक पेड़ आपने लगा दिया, हजारों रुपए की ऑक्सीजन देता, ऑक्सीजन ही हमें चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।